धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र में चोरी मामले में एक महिला और एक पुरुष को चोरी के सामान के साथ किया गया रंगे हाथ गिरफ्तार। बता दें घटना की वीडियो फुटेज सीसीटीवी में हुआ कैद, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने महिला सविता देवी और भैरव बैनर्जी को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर धनबाद विधि व्यवस्था उपाधीक्षक ने खुलासे का जिक्र करते हुए प्रेस वार्ता किया और दी जानकारी। डीएसपी अरविंद कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि सरायढेला थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में 19 जनवरी को किराए के मकान में रहने वाले एक महिला सविता देवी अपने ही पड़ोसी उत्तम दास के यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया। सरायढेला थाना अंतर्गत 18 को एक वृंदावन कॉलोनी में उत्तम कुमार दास के घर में ताला तोड़कर कीमती जेवरात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक महिला का नाम प्रकाश में आया था, सविता देवी, जिन्होंने सबों को बतलाया था कि घर में मेरे को कब्जा करके, चाकू के नोक पर कब्जा करके घर से सारा सामान जेवरात कीमती सामान जो है चोरी कर लिया, और इसकी सूचना फिर अगल बगल को लोगों को दिया था। बाद में पुलिस को इस बिंदु पर संदेह हुआ और इसमें कुछ तकनीकी विश्लेषण और पुलिस का टीम बनाया गया, जिसका नेतृत्व जितेंद्र कुमार कर रहे थे, पुलिस निरीक्षक था थाना सरवाबारी और अंकिता थी, तो इनके नेतृत्व में टीम बना और उसके बाद है कि सभी बिंदु पर इसमें छानबीन किया जा रहा था। छानबीन के क्रम में जो सविता कुमारी है उसको उसके घर में छापेमारी की गई, जिसके क्रम में उसके घर से एक जोड़ी चांदी का पायल, एक चांदी जैसा हनुमान जी का लॉकेट, एक चांदी जैसा सिकड़ी, एक सोने जैसा लॉकेट का मंगलसूत्र, एक चांदी का छोटा कटोरी और 500 रुपये का 37 नोट, कुल 18,500 रुपये। जब ये सविता कुमारी के घर से कुछ सामान जब बरामद हो गया तो उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आया कि इसका सहयोगी जो भैरव बनर्जी, उम्र 47 वर्ष, जो चीरागोड़ा थाना जिला धनबाद का रहने वाला है, उसके घर से जो इसका सहयोगी था, उसके घर से एक जोड़ा सोने का चैन और एक जोड़ा सोने जैसा कान का झुमका, एक सोने जैसा दुर्गा जी का लॉकेट, एक सोने जैसा छोटा बजरंग बली का लॉकेट और एक चांदी जैसा ब्रेसलेट इसके घर से रिकवर किया गया और पूछताछ कर क्रम में घटना के में दोनों की समझौता दोनों स्वीकार किया है। आप लोगों न्याय हिरासत में अपराधी करते हैं नहीं, एक्चुअली ये वृंदावन कॉलोनी में उत्तम कुमार दास के जिस घर में रहते थे उसी में पड़ोसी रेंटर के रूप में ये भी रहती थी सविता देवी, तो ये इसके घर में कितने लोग रहते हैं, आना जाना इसके संदर्भ में पूरी जानकारी इनको थी। और जब ये उत्तम कुमार दास अपने कार्य के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, उसी दौरान ये उसमें अटेम्प्ट ली ताला तोड़कर घर के पूरे सामान को बिखेर दी और पूरा प्लान बनाते हुए जो कीमती जेवरात वगैरह थे उसको निकाल ली और जो इसके सहयोगी थे भैरव बैनर्जी उसको ये कुछ सामान रखने के लिए कुछ सामान को बेच दिए। इसके पास भैरव बैनर्जी के पास भी जो उत्तम दास के घर से जो चोरी हुई सामान बरामद की गई है। ये सर भैरव बैनर्जी क्या पहले से क्या ऐसा तो नहीं, हम लोग सभी थाना पता कर रहे हैं कि ऐसा कुछ अपराधी की इतिहास है कि नहीं, इस संदर्भ में हम लोग जानकारी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पता चल पाया है, पर हम लोग इसमें पता कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला है। सविता देवी के कौन ये तो हम लोग अभी जांच की क्रम में बताएंगे, पर पहचान का है तो उससे कुछ पहचान रहा है, अब पहचान किस सिलसिले में बना ये तो हम लोग जाँच का विषय। कितना चोरी हुआ था ये इसका आकलन करना तो मोटा मोटी आकलन तो हम लोग नहीं कर पाए हैं, पर एक लाख 1.5 लाख के करीब जेवरात होंगे। ठीक है।